रिस्पेक्टेड उसाफ़ इकराम, चीफ गेस्ट जनाब कमाल साहब और डियर स्टूडेंट्स, बहुत काफ़ी वक्त हो गया है और मैं भी बहुत सोचता हूँ आप लोगों के बारे में। एंड आपने हर जगह लिखा है वी विल मिस यू, वी विल ऑल्सो मिस यू। थोड़ा सा 8 से पहले हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 7:50 से। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हमने एमएड के बच्चों को देके अच्छा भी किया और उनके बोलने की सलाहियत को महदूद भी कर दिया। इसका मुझे अफसोस है। यकीनन आफ्ताब साहब ने सही कहा, अगर वो प्लानिंग हुई होती तो जिन बच्चों को तासुरात पेश करना था, क्योंकि एमएड के बच्चे हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो एमएड के बच्चे हैं, बीएड के बच्चे हैं जो यहाँ से जाते हैं। एक्चुअली दे आर आवर मार्केट वैल्यू, दुनिया हमें उन्हीं को देख के जज करती है। मुझे लगता है उनको बहुत सारी बातें रही होंगी उनको कहने की जो वो नहीं कह पाए, क्योंकि उनको हमने एक टॉपिक दे दिया, जो फिल्म नहीं देखा और उसको फिल्म के बारे में पूछा तो मुश्किल थी। और कहीं ना कहीं से स्टूडेंट्स अनरेस्ट का भी एक टॉपिक था, तो हमारे बच्चे बहुत बहुत काबिल हैं, वो इस टॉपिक को गो गए, कुछ बोले नहीं। बरकतुल निसा ने कहा कि अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, कमाल साहब ने कहा कि बढ़िया बिस्तर वाले स्कूल से पास हैं। आप तो बढ़िया बिस्तर के स्कूल में गए भी, मैं इतना बदनसीब था कि गया भी नहीं। मेरे नाना ने मेरा नाम लिखाया था 3 क्लास में 3 रुपया देकर, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसी स्कूल से 8 क्लास का सर्टिफिकेट लेके 9 क्लास में गया और डायरेक्ट 10 क्लास का इम्तहान दिया, फिर डायरेक्ट 12 क्लास का इम्तहान दिया, तो बोरे की भी जरूरत बहुत कम पड़ी। और जब वो कह रहे थे तो मुझे ये कहने में हिचक नहीं हो रहा था कि स्कूल के प्रिंसिपल को भी अंग्रेजी नहीं आती है, तो बच्चे को नहीं आती है तो बहुत शर्म की बात है, लेकिन अंग्रेजी उतनी अच्छी है भी नहीं। एक अंग्रेज ने हुमायूं कबीर से पूछा कि जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है। एक अंग्रेज ने हुमायूं कबीर ने कहा कि आई लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी है, इसलिए मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। तो हमारे पास सीखने का पूरा वक्त है, हम सीख सकते हैं। इंग्लिश में बहुत जान नहीं है, बहुत आसान है। और आजकल मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ, आप लोग को लगता होगा कि शायद मुझे इंग्लिश आती है, ईमानदारी ये है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। दूसरी चीज, टॉपिक का चुनाव के बारे में बुसरा ने कहा, मुझे बुसरा के ताल्लुक से एक अच्छी बात लगी। बख्तियार साहब के अंडर में वो डिसर्टेशन कर रही थी, मैं थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि बच्चे कहते थे कि सर कहते हैं, सर बोलते हैं, ये एनएन लंबी लंबी बातें यहाँ से कर रहा था, और क्या नाम है उसका जो कुर्सी लेके गिरा था, कहाँ है, कुर्सी लेके गिरा था। लेकिन देखिए एटीट्यूड क्या होता है, मैंने उससे बड़ा पूछा कि हाउ आर यू, ठीक हो, वो मुस्कुराई। मैं कहा कि तू ठीक है ना, जी सर, हम लोग कोई दिक्कत, बोले नो सर। मुन्ना मुस्ताक 10 फोन किया सफाई साहब को, उनको उनको उनको, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, एंड फॉर सक्सेस एटीट्यूड इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज द एबिलिटी। हमें एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। सब सर का एक ही मकसद है, आज एनएन को कौन सा प्राइज दिया, उसका सिलेक्शन बख्तियार साहब कर रहे थे, जबकि बख्तियार साहब मेरे चैम्बर में उसको बोलते रह गए 20-25 मिनट, उसको क्या समझा, कहा कि ना समझा। तुम टीचरों की मोहब्बत को नहीं जज कर सकते हो, टीचरों की मोहब्बत को नहीं जज कर सकते हो। हिस्मा नूरी ने कहा टीचर सर गुड, अच्छा लगा सुन के। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे मुख्तार ने कहा, हमें भी लगा कि मैं उसको भी काफ़ी ऑब्जर्व किया अपने इसमें, उनकी माँ का इंतकाल हुआ, बहुत सारे इश्यूज हुए, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ, तो यकीनन सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यू कैन विन के लिए किसने कहा कि पढ़ना चाहिए, एक और किताब है राज़ हयात मौलाना वहीदुद्दीन खान की, अच्छी किताब है,
और एक जो है हयात ज़िंदगी मौलाना यूसुफ इस्लाही की है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। बचपन की शरारत में राबिया का भी एमिट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वहाँ से आना और अकेलेपन में मस्तरी का एमिट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने आप में सोचता था, मैंने पूछा ज़ैदी साहब से कि हो गया उसका, कि हाँ हो गया। बहुत सारे बच्चे यूनिक यूनिक वे में, इतने बच्चों की माँ होके कभी मौलाना आज़ाद का शक्ल न देख के, उर्दू से बिल्कुल कोई रगबत नहीं, इसके बावजूद भी लड़के एक लेडी इस एज में एमिट का डिसर्टेशन जमा करके वाइवा देने के सामने खड़ी हो जाए, दैट इज अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर अस। साइना का जो मशवरा है वो सराहो पे, और हम लोग सभी बहुत कदर करते हैं, और शायद मेरी जगह पे कोई और होता तो वो एग्ज़ाम ना दे पाती जो उसने दी, लेकिन उसने जो एग्ज़ाम दिया उसकी सिर्फ एक वजह उसका जज्बात था, उसका शौक था, उसके पढ़ने की जो एक ख्वाहिश थी। बहुत कम ऐसी लेडी होती है जो डिलीवरी के दो दिन बाद एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाए। दे आर द एग्ज़ाम्पल फॉर आवर सोसाइटी, हमें बताना चाहिए। सूफिया ने कहा कि मुझे तनख्वाह मिल चुकी है, मैं पहली तनख्वाह अपने माँ को गिफ्ट की। मुझे अच्छा लग रहा है ये कहने में कि मुझे भी 12,500 रुपया मिला था, और मैंने भी पहला पैसा जो खर्च किया वो 250 रुपये के लिए अपनी अम्मी की साड़ी खरीदा था। बहुत सारी बातें हैं। आफ्ताब साहब ने आँखों पे बहुत अच्छा शेर कहा, मुझे नहीं पता था कि ये लोग शायर भी हैं इतने अच्छे, लेकिन मुझे अफसोस तब हुआ जब इन्होंने कहा कि सर ये शेर मेरी अहलिया ने भेजा है। और अभी आप लोग दूसरा सेंटेंस नहीं सुना है, और उसको ये मोबाइल में देख के पढ़ रहे थे। अगर मेरी अहलिया एकाक लव शेर का कह देती तो मैं यकीन जानो जवानी याद कर लिया होता। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आँख के ऊपर एक शेर कह दूँ। और ये मैंने अपनी वाइफ को कहा था जब वो मुझसे काफ़ी टेंस थी, तो आईने के सामने खड़ी थी, तो मैंने कहा था उसको कि आईने के सामने तो कुछ भी नहीं, मेरी आंखों में तेरी तस्वीर है। सफाया साहब का बहुत शुक्रिया कि नफीसा का दिए हुए गम को वो कम करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन गम तो गम है। 5-10 मिनट में बच्चों को ज़बरदस्ती रोका हूँ अपने आदत के खिलाफ, लड़कियों को खासकर, सॉरी फॉर डैट। एक और शेर सुनिए, इसके बाद फिर कहाँ मौका मिले कि हम उदास रोज होते हैं और शाम गुजर जाती है, एक रोज़ शाम उदास होगी और हम गुजर जाएंगे। आज की शाम जो है कुछ इसी तरह की है, इसलिए मैंने ये ज्यादती की एंड इसके लिए सॉरी। 4-5 आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें थी। हम सोसाइटी के लोग हैं, पौरा देखते हैं किसके पैर से क्या मिलता है, किसके आने से क्या मिलता है। ये जो 15-17 का बैच था ये हम लोगों के लिए मिरेकल था, मिरेकल फॉर सम सेंसेस। पहला सेंस ये है कि हम लोग गरीबी से अमीरी में तब्दील हो गए, खराब बिल्डिंग से आलीशान बिल्डिंग में आ गए। दूसरा ये कि इन्हीं लोगों के वक्त में हमें 2 हॉस्टल गवर्नमेंट ने दिया है, वो मिल जाएगा। तीसरा ये कि ये बच्चे पहले ऐसे मानो ऑफ कैंपस के लकी बच्चे हैं जिनसे वाइस चांसलर ने डायरेक्ट इंटरेक्ट किया है। और चौथा ये कि आप लोग के रीजन में हमें मस्जिद मिली, मस्जिद के जमीन में। तो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू योर इन आवर देहाती लैंग्वेज पौरा। आपका जो आना है ये हम लोग के लिए हुसैन था, जाना यकीनन किसी के लिए भी अफसोसनाक होता है। आप लोग यहाँ आए, कहावत है कि इंसान अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की 2 ही दफा कदर करता है, एक उसको पाने से पहले और दूसरा उसको खोने के बाद। ये हकीकत है, पाने के पहले भी आप लोगों को बहुत आरजू रही होगी,
और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग को दूर होइएगा वैसे वैसे हम लोगों को यकीनन बहुत मिस कीजिएगा, इसका मुझे उम्मीद है। दो तीन बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूं, कहीं भूल ना जाऊं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अफसोस भी हुआ, मैं अपने आदत के हिसाब से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बातें कह भी दिया, खासकर सबा करीम को, हामिद को, जहांगीर को बहुत बुरी तरीके से डांट दिया। इसके लिए पब्लिकली सॉरी, और टूर नहीं जा सका इसके लिए पूरे लोगों से सॉरी, लेकिन मैं उसका बदला ले लूँगा इंशाल्लाह, ये मेरा यकीन है, कोई ना कोई इसका ये होगा। बट ऑफिशियली आई से सॉरी फॉर डैट। बीएड के दो बच्चे आए थे, दो चार बच्चे, उसमें से दो को मैं बहुत गलत तरीके से डांट दिया, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। चूँकि 40 से ज़्यादा एज हो गया है, अब मौत का डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए भी बहुत अफसोस है मुझे और सॉरी कहता हूँ। स्टूडेंट्स आपका लीडर है, उसको भी कभी कभी हो सकता है कि कुछ बोल दिया हूँ, चूँकि वो आता था मेरे पास हमेशा आप ही के लिए आता था, लेकिन अच्छा लीडर है आपका। जब वो चुना गया था तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा था कि आप बताइए बच्चा ये बच्चा मुझसे लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि लड़ने के लिए आदमी जो है बहस करके और मारपीट करके ही लड़े, बहुत सारे लोग खामोशी से ही जीत जाते हैं। तो अब तक मानू का जो स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर रहा यहाँ दरभंगा में, पहले तौकीर था, मैं दिल से उसका भी मुरीद हूँ, और औरंगजेब भी मुझे अच्छा लगा, आप लोगों का सिलेक्शन अच्छा था। अब थोड़ा सा बात अपनी असली ज़िंदगी पे। बचपना में हर इंसान को शौक होता है कि बड़ा हुए हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ना झगड़ना, आपस में दोस्तों से मारपीट कर लेना, बहस कर लेना, धमकियाँ देना, यकीनन आज सबको अफसोस होता होगा, क्योंकि वही दोस्त और वही चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत अहम है। आज से और आज के बाद में जो वही फ़र्क होगा वो ये होगा कि अब तक आपने जो गलतियाँ की वो काबिले माफ था, उसको लोग माफ़ कर देते थे क्योंकि सब आपके टीचर थे, लेकिन बाहर की दुनिया में जो लोग होंगे ना वो आपके टीचर नहीं होंगे, तो वो आपको माफ़ नहीं करेंगे, आपको सजा देंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो गलतियाँ यहाँ की जानबूझ के वैसी गलतियाँ बाहर ना की जाए। दूसरी चीज़ के बस कहता हूँ, करता तो नहीं, कहते मिसाल देना बहुत आसान है, मिसाल बनना बहुत मुश्किल है, कि फिर कहता हूँ कि हम लोग सब बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बहुत पुअर फैमिली से हैं, बिलो फैमिली से हैं। मैं दो दो दिन खाना नहीं खाता था, इसलिए नफीसा को मैंने कहा खाने की कोई अहमियत नहीं है, बहुत बिलो फैमिली से। तो सोसाइटी में आपकी बहुत ज़रूरत है, देखिएगा अपनी अपनी सोसाइटी के हिसाब से क्या ज़रूरत है, लेकिन कभी इतनी ऊंचाई पे मत जाइएगा कि कोई आपसे बात ना कर सके, कभी इतनी ऊंचाई पे नहीं जाइएगा कि कोई आपको बड़ा कह सके। मेरे ऊपर एक केस हुआ तो लोग गए मेरी गवाही देने, तो जो दारोगा था उसको बताया कि सर उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, ऑपरेशन होने वाला है। तो दारोगा ने कहा कि बड़े बड़े लोग जो है ना केस होने पे हॉस्पिटलाइज हो ही जाते हैं। उसने कहा कि सर ऐसे कह रहा था, एक इंजीनियर में सोचने लगा कि क्या वाकई में बड़ा हो गया हो, मुझे केस की उतनी अहमियत नहीं थी जितना उसके बातों की अहमियत थी। तो कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह आपको इतना बड़ा ना बनाए कि लोग आपसे दूरी अख्तियार कर लें, वो बड़प्पन की निशानी नहीं होती है। स्टूडेंट जो है वही आपके असासा है। मैं पारस हॉस्पिटल में एडमिट था और मैं सोच रहा था कि क्या पता, पारस हॉस्पिटल का जो बिजनेस मैनेजर है वो मेरे पास आया, कहा कि सर आप अपने कॉलेज में फ़ोन करके बता दीजिए कि यहाँ बच्चे ना आए, बाहर में बच्चे लाइन लगाए हुए हैं। आप यकीन जानिए उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मैं अभी नहीं मरूंगा, क्योंकि जब इतने बच्चे लाइन लगाए हुए हैं तो अल्लाह को रिकंसिडर करना होगा। तब तक बीमारी पता नहीं चला था और अल्लाह का शुक्र कुछ ऐसा हुआ नहीं। चलिए अब 5 मिनट में खत्म करता हूँ। कामयाबी का पहला राज है कि आप नमाज पढ़िएगा।
इंशाल्लाह वैसा वाला नहीं जो आप जमात के लोग करते हैं। एक कॉलेज का प्रिंसिपल आपसे कह रहा है, और अगर नहीं पढ़िएगा तो मौत के वक्त मुझको याद कीजिएगा, बहुत पछताइएगा। तो नमाज पढ़िएगा। बीएड की किताब तो बहुत पढ़ लिया, एमएड की एक कुरान शरीफ ये रमजान में मानी के साथ पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको मरने के वक्त पछतावा ना हो कि अल्लाह ने जो कहा था वो हम। यू आर द एजुकेटेड पीपल ऑफ द सोसाइटी एंड यू आर, क्या कहें हम, सब कुछ आप हैं सोसाइटी के। अगर आपका ये हालत रहा, आपको पता है हम लोग मिट्टी देने जाते हैं, वो नहीं पता क्या पढ़ना है, जनाजे की नमाज में जाते हैं, इमाम का जो नियत से अपना नियत है। हमारा झगड़ा इस चीज पे है कि कौवे का गोश्त हलाल है कि हराम है, सैबरात की हदीस ज़ईफ है या जवान है। वी आर फाइटिंग फॉर दिस। जब तक हम लोग इस पे फाइट करते रहेंगे तब तक हम लोग जाहिल कहलाएंगे। जब तक हम लोग इस पे फाइट करते रहेंगे तब तक हम लोग जाहिल कहलाएंगे। हमारा फाइट तो इसलिए इस पे होना चाहिए कि हम कौम के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप देखिए, तकब्बुर नहीं कीजिएगा। तकब्बुर इंसान को दुनिया में सादात, फिरौन, कारून, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, सबको खत्म कर दिए। कोई भी इंसान कुछ लेके नहीं गया। फिरौन की वाइफ को जन्नती होने का कहा गया, आयशा को, आसिया को। फिरौन की बदतमीजी में उसकी वाइफ का जन्नत मिला। इससे यह जाहिर होता है कि हस्बैंड जन्नत में गया लेकिन जहन्नम में, लेकिन वाइफ, मतलब कोई किसी का नहीं होगा, सबको अपना अपना हिसाब देना होगा। मैं एज ए प्रिंसिपल बखूबी वाकिफ हूं कि 2 साल हम लोगों ने क्या किया है। इसका एहतसाब करने से बेहतर है कि वो करके जो रिजल्ट आएगा उसको दूर कीजिएगा। तौबा इस्तगफार बार बार नहीं किया जाता है। एक गुनाह किया, फिर गुनाह उसी को रिपीट किया, फिर तौबा इस्तगफार, फिर वो गुनाह किया, फिर तौबा इस्तगफार। मुझे लगता है अनएक्सक्यूजिबल। एक ही कहानी आप सुनाइए कि सुनना आज वही कहानी सुनावा, फिर कल कहिए कि वही कहानी सुनाते हैं, कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। हम लोगों ने आपको तकलीफें दी, इसका मुझे एहसास है, लेकिन कहा जाता है कि ए विनिंग हॉर्स डज नॉट नो व्हाट इज विनिंग, ही इज रनिंग इन ए पेन गिवन बाय द राइडर। उसको नहीं पता होता है जीत क्या होता है, वो दौड़ता रहता है क्योंकि उसका मालिक उस पर चंबक मारता रहता है, और ये उसी को मारता है जिसके नसीब में जीत होती है। अल्लाह जिसके नसीब में जीत होता है वही दौड़ता है, वही पेन महसूस करता है। और कहा जाता है कि इफ योर गोइंग इज गेटिंग डिफिकल्ट, यू आर गोइंग टू अपवर्ड, एंड इफ योर गोइंग इज गेटिंग ईजियर, यू आर गोइंग टू द डाउनवर्ड। तो अगर हमें तकलीफें हुई है, इससे जाहिर होता है कि हम आगे की तरफ बढ़े हैं। अगर हमें आसानी से डिग्रियां मिल गई होती तो यकीनन हम कह सकते थे कि हम वापस गए हैं। कभी भी वालदेन से मत लड़िएगा स्कूल में। हम कहते थे टीचर सबसे बड़ा होता है। मेरा जाति तजुर्बा है कि माँ के बाद उसके पापा, उसके बाद टीचर का नंबर आता है। एक बच्चे के ताल्लुक से मैंने कहा कि एज ए प्रिंसिपल मैं आपको कह रहा हूं कि आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, प्लीज। उसने कहा कि नहीं सर, पढ़ लेगा। मैंने कहा कि नहीं पढ़ पाएगा। मैंने कई बार कहा, लास्ट में मैं हार गया और मैं इस यकीन पे पहुंचा, क्योंकि मैं माँ के बाद टीचर को मानता था, वालिद को उसके बाद ही मानता था, लेकिन मैं आज कंक्लूड किया कि माँ, उसके बाद उनके वालिद, और उनके बाद उनका मौलिम। मौलिम का मतलब आप लोग। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंसान की दुनिया में हम लोग जा रहे हैं, ये इंसान इतने आसान नहीं है जितने लगते हैं। ये अजीब अजीब तरह के लोग हैं, इनके बीच आपको एक एग्जाम्पल बनना है। कहते हैं कि खार से गले मिलना, फूल से अकीदत भी, किस कदर है पेचीदा इंसान की फितरत भी। बहुत पेचीदा फितरत है। उसके बीच में जाके आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, ये बहुत टफ काम है। मैं बहुत सारा चीज़ लाया था लेकिन छोड़ रहा हूँ। अपनी लाइफ की एक दो फिलॉसफी बताता हूँ जो मेरा मानना है। हम चाहते हैं कि ये पर्सनली मैं चाहता हूँ, मैं सर लोगों पे आऊँगा 2 मिनट में, ये पर्सनली मैं अपनी बात बताता हूँ कि व्हाट आई बिलीव दैट
टू बी काइंड इज मोर इम्पोर्टेंट टू हैव द ब्रिलियंट माइंड. टू बी काइंड इज मोर इम्पोर्टेंट टू हैव द ब्रिलियंट माइंड. ब्रिलियंट माइंड होने से ज़्यादा अहम है कि अच्छा दिल हो. ब्रिलियंट माइंड तो बोल सकता है लेकिन अच्छा दिल जो है वो सुन सकता है. तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके पास सुनने के लिए दिल होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के मसाइल इतने हैं कि आदमी बहुत कम है सुनने वाला, और जब आप जाएंगे तो उनको सुनेंगे. और आपने जो तालीम हासिल की है वो सोसाइटी का पैसा है, तो आपको उसको रिफंड करना है. तो कोशिश आप ये कीजिएगा कि जो हो सके वो आप उसके लिए कीजिए. परेशानी इंसान की ज़िंदगी है, अगर परेशानी आपको मिलती रहे आप समझिए आप खुश नसीब हैं, क्योंकि परेशानी में हर इंसान कामयाब हुआ है. परेशानी में हर इंसान कामयाब हुआ है, इसकी पूरी तारीफ है. और जितना भी सुकून मिला है उसमें नाकाम होने वालों की तादाद बेइंतहा है. तो अगर अल्लाह ने आपको परेशानी में रखा है, इसका मतलब है कि आपको अल्लाह ने जितने पैगंबर को भेजा सबको परेशानी में रखा है. हिस्ट्री विटनेस डेट नॉट ए सिंगल जो पैगंबर थे, प्रोफेट थे, वो ऐसे नहीं है कि सब इजी गोइंग लाइफ गुजार के गए हैं. तो मेरा जाति यही कुछ बयान है. आप लोगों ने यकीन जानिए बहुत प्यार दिया, और बीच में 2-3 महीना कबल मैं काफ़ी टेंस था और मैं सोच रहा था कि क्या करूं, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से अपने जितने टीचर्स हैं, सर हैं, सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बहुत हौसला दिया. और मुझे याद नहीं है कि कभी ओपनली मेरी बात ना माना, और मैं दिल से पब्लिकली ईमानदारी के साथ ये बात आपको बताता हूं. मैं ईमानदारी कह रहा हूं इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं कि जितने टीचर बैठे हुए हैं मैं उन सभी को अपने से बहुत ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, ये दिल से बता रहा हूँ. और जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनको मैं अपने टाइम के बीएड से खुदाई कसम बहुत ज़्यादा तेज समझता हूँ. और हर बच्चे में मैं एक उम्मीद की किरण पाता हूँ, एक यकीन पाता हूँ, और सोसाइटी के लिए एक रहनुमा खोजता हूँ. छोटा छोटा एग्जाम्पल है जिसकी बुनियाद पर हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं. हमें ऐसा नहीं है कि हमें एहसास नहीं है कि वो करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है. बस ज़्यादातर चीज़ों को जो हम बेवकूफ़ बन के छोड़ते हैं ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर ने जानबूझ के छोड़ दिया, बच्चों को ये लगे कि सर को हमने बेवकूफ़ बना दिया, या सर को हम दुनिया में किसी को समझाने की कोशिश मत कीजिए. प्लीज़ कोशिश ये कीजिएगा कि आप खुद को समझिए. दुनिया में सबसे बड़ा मसले का हल जो है वो खुद में इम्प्रूवमेंट करना है. क्या करना है? खुद में इम्प्रूवमेंट करना. आप हम लोगों के इतिहास को तो देखा है ना, हम लोग आपस में कभी आप लड़ते हुए देखा है? ओपनली हम सभी डिफरेंट फील्ड्स के हैं, हम लोग में बहुत इख्तलाफ है टॉपिक पे, एजुकेशन पे बहुत इख्तलाफ है. और वो जितने इख्तलाफात हैं वो मजमूई तौर पर आप सभी के लिए असासा है, बहुत बड़ा मतलब चीज़ है जिसको आप हासिल कर सकते हैं. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, आप जो चाहिएगा वो आप कर सकते हैं, आप जो चाहिएगा वो आप कर सकते हैं. आपको सिर्फ चाहना है, आपको सिर्फ चाहना है, और अगर आप चाहेंगे तो आप कर लेंगे. अगर आप नहीं कर पाए हैं इसका मतलब चाहने में और उसको पहुंचने में, उसको हासिल करने के बीच के जो दरमियानी फर्क है वो रह गया हो. अदरवाइज सक्सेस का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, सक्सेस का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, इबादत नहीं है. इबादत करने के लिए फरिश्ते बहुत थे, मजहब की जरूरत नहीं थी. इंसानियत का नाम है, खिदमत का नाम है, अपनी सलाहियत को दूसरों के लिए दे देने का नाम है. ये जो दुनिया है ये आपके खुशी के लिए परेशान नहीं होती है, ये इसलिए परेशान होती है कि आप उसको कितना खुशी दे सकते हैं. ये जो दुनिया है ये इसलिए परेशान नहीं होती है कि आप खुश रहें, ये इसलिए परेशान होती है कि आप उसको कितना खुशी दे सकते हैं.
और ये आप दे सकते हैं, ये आप दे सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरों को खुशी दें। इंसान की फितरत है कि उसकी नीयत और नजरें बहुत जल्द बदल जाती है, उसकी नीयत और नजरें बहुत जल्द बदल जाती है। लेकिन आप लोग अल्लाह से भी दुआ कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपकी नीयत और नजरें कम बदले। इस वीरानेपन में जितनी परेशानी आप लोगों को हुई होगी, आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह आपको इस लायक बनाए कि उस परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद शामिल हो, चाहे वो किसी भी तरह की मदद हो। ये जो दुनिया चल रही है उसमें आपकी सक्सेस से कुछ फायदा हो सके। आना खाना पीना मर जाना चले जाना, दिस इज नॉट द लाइफ, है ना। आई केम आई सॉ आई रिटर्न, दिस इज नॉट द लाइफ। यू शुड कंकर द लाइफ, यू शुड कंकर द वर्ल्ड। और ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है कि सबको एक तरह का आएगा और नकल करके भी पास कर जाएंगे। जिंदगी के क्वेश्चन सबके डिफरेंट होते हैं, तो इसमें कॉपी की गुंजाइश नहीं होती है। हम जितना कॉपी करेंगे उतना टेंशन होंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने क्वेश्चंस को, अपने लाइफ के क्वेश्चंस को खुद हल करेंगे। जिंदगी का मजा बहुत है, जिंदगी बहुत मतमन्नी है, दुनिया आपको देखना चाहती है कि आप कितना कामयाब होते हैं। और यकीन जानिए इस कॉलेज की तरफ से, सभी उस्ताज़ इकराम की तरफ से, आई प्रॉमिस कि किसी भी बच्चे से हम सभी लोगों को कोई सिकवा नहीं। आप सभी लोगों की कामयाबी में हम सभी लोगों की कामयाबी छिपी हुई है। और आप सभी लोगों को जितना भी हम लोगों ने डांटा होगा उसके नियत पे कोई डाउट नहीं है। हमारी नियत आपके बड़े भाई की तरह रही होगी, आपके वालिद की तरह रही होगी। मेरी नियत बिल्कुल वाजे है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, सिंगल पॉइंट पे नहीं डिफरेंसेस नहीं है मेरी नियत में। जो लड़कियां हैं ऑल आर माई सिस्टर्स एंड आई लव देम लाइक माई सिस्टर्स, बहन की तरह मैं उसको प्यार करता हूँ जैसे मेरी अपनी बहन है, और आप लोग को बिल्कुल अपने भाई की तरह प्यार करता हूँ। उसमें जो कमी हो, जो गलती हो, वो हर घर में होता है, वो इस घर में भी हुआ होगा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हम लोगों से जो सीखा है, यहाँ पैसा तो नहीं दिया होगा ना किसी को, पांच पैसा, तो कभी जिंदगी में गलत पांच पैसा मत लीजिएगा। यहाँ हम टीचर्स का कैरेक्टर तो देखा होगा ना, देखा होगा कि नहीं देखा होगा। कोशिश कीजिएगा कि आपके कैरेक्टर पे कभी दाग ना आए। अगर कैरेक्टर पे आपके दाग आएगा इसका मतलब आप हमारे स्टूडेंट्स नहीं हुए। आप हमारे स्टूडेंट्स, डिग्री होना अलग बात है, स्टूडेंट्स होना अलग बात है, आप हमारे स्टूडेंट्स नहीं हुए। और कामयाबी होने के मतलब है नेट कर जाना, नौकरी पा जाना नहीं। कामयाबी होने का मतलब है मसलसल जद्दोजहद करते रहना लोगों की मदद अनफला भला के लिए, ये कामयाबी का मकसद है। और दुनिया बहुत लिमिटेड है, वक्त बहुत लिमिटेड है, इसलिए उसको जैसे बीएड को 2 साल जाया कर दिया, एमएड को कुछ कुछ चीज़ों में, वैसे मत कीजिएगा। हम लोगों की कमियों का अगर कोई फ़ायदा उठाया हो, दुनिया में जो कमी है उसका फ़ायदा मत उठाइएगा, उसको लड़िएगा, मेहनत कीजिएगा। और जहाँ भी जाइएगा कोशिश कीजिएगा कि आप अपने लिए ना सही, इस कौम के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि ये कौम को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। और मैं आपको तैयार नहीं कर रहा था, मैं आपको तैयार नहीं कर रहा था, मैं इस कौम के उस फर्जिंदान को तैयार कर रहा था जिसकी सख्त ज़रूरत इस सोसाइटी को है। तो उस प्रॉमिस को धोखा मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जितनी कुव्वत अल्लाह ने दिया है उस सब को निछावर कर दें तालीम के फ़रोग के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह की जात से, आपको यकीन है मैंने कावे शरीफ को पकड़ के मानू के बच्चों के लिए दुआ किया था। कावे का वो पकड़ के मैंने मानू के बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ किया था, मुझे उस वक्त इतना याद था। तो मैं सभी उस्ताद ज़ैदी साहब को मैं खास कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों में उनकी दुआ इंशाल्लाह जल्द ज़्यादा कबूल होगी। और जो भी रिलीजियस चीज़ होता है मैं ज़ैदी साहब कहता हूँ, आप देखिए तो, और फॉलो भी करने की कोशिश करता हूँ, गर्चे शकल और इस सूरत से ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, कि अल्लाह से
मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह आप लोगों की जायज ख्वाहिशात को पूरा करे, और अल्लाह आप लोगों से अच्छा काम ले, और इसके लिए आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा, और अल्लाह आपको दीन और दुनिया दोनों के लिए कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजरीन, हमारे उस्ताद मोहतरम ने बहुत सारे कीमती बातों से और कीमती नसीहतों से हमें नवाजा। हम उस्ताद मोहतरम